आज जा रहे हम कॉमेडियन पवन पहाड़ी के घर में, आज छापा मार रहे हैं। हाँ हाँ। और मम्मी आप कुछ मत लेके जाना, बोलना वही रह गया घर में। हाँ, बेल बजे से गाइस हम लोग पवन के वहाँ पहुँच गए हैं, तो चलिए लेट्स सी हिज रिएक्शन। सरप्राइज। कसम से मुझे अंदर से लग गया था। ये देख, रंजना ने बोला कि उसने एक्सपेक्ट किया कि मैं होंगी। अच्छा, तू तो बोली थी मैं तो वहां जाना है करके। हम लोगों का रिलायंस का प्लान था, तो मम्मी को तेरे वहां आना। हाँ, तभी ना ना ना, अब जाएंगे। चल, तुम लोग सही में शौक हो गए ना। ये हाय सुम्मी, मम्मी आपने इनका घर नहीं देखा ना पहले? मुझे लग ही रहा था ये तुम लोग के लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट। मम्मी पहली बार आई है ना, भूल के आ गई थी, दोबारा दिखा दे। ये हम लोग रास्ते में भूल गए थे पवन। सही बात है, सब तुम्हारी तरह नहीं भूलते। ये रंजना तेरे लिए, हाँ, दिस इज फॉर यू। क्या ले आई है? हाउस वार्मिंग गिफ्ट, पहली बार आई ना मम्मी। और ये है हमारे भजन सम्राट सुमित शंभू। तेरे को इसी टी शर्ट में गाइस ने 3 महीना देख दिया है, अभी भी इसी टी शर्ट में। पवन ने दिलाए नहीं कपड़े, चल मैं दिला के आती हूँ। हाँ यार, देखा तूने भाई साहब, चल मैं खुद। सो देखिए, अभी मम्मी, पवन, रंजना हम लोग गप्पे मार रहे हैं और मम्मी ने घर का सुपर इंस्पेक्शन कर रखा है। ठीक है, मम्मी ने सुपरविजन कर दिया और मम्मी को यहाँ भेजा था अम्मा और ताई जी ने कि देख के आओ जरा पवन, रंजना, सुमित कैसे हैं। हाँ, छापा मार के होगी पवन सही से। किसने भेजा फिर? खुद आए हुए। हाँ, अभी तो कुछ लगा ही नहीं, अभी तो भी पुराने जैसे लग रहे हैं। नया कलर है कुछ। अभी पानी वानी पिला रखा है फिर, अभी देखो थोड़ी देर में टर्किश टी पिलाएंगे। पता ना जे जे निकला तुम्हारा लाइट वाला सामान और मिठाई नाम के ची बकलावा। अरे वो प्लेन में रह गई यार। प्लेन में तो रह गया, प्लेन की प्लेन बटी जाए, ट्रेन में रह गया नहीं। तो पवन से तो नाराजी हुई भाई। क्यों? एक दिन नहीं मैं मौसी आ जा, फिर मेरी गैस से देख ले। अरे मेरे को पता था ना मौसी खुद ही आ जाएगी घर में। भाई क्या अंतर जाने है तू? अरे अंतर जाने, देखो मौसी है मासी, माँ को भी कभी बुलाने की जरूरत पड़ती है। आप तो सुमित को देखने आए, तेरे वहाँ थोड़ी आए। सुमित ने देख ले, सुमित कॉल बहुत आप विश्वास लग रही है। विश्वास तो लग रहा, सुमित वाला ला रहा, लेकिन हमको ज्यादा ला रहा। हाँ, याद तो आ रही है सुमित की। मैं कल ब्लॉग देखते समय बहुत रोई यार। फिर से? हाँ, बहुत ज्यादा। क्यों? ऐसे ब्लॉग देखते देखते जा रहे थे इमोशनल। जैसे सुमित गया था उस दिन, तो मम्मी इतना रोगी, बाप रे। मैंने कहा इतना तो हर्षित के जाने पर नहीं रोती जितना सुमित के जाने पर रोई। हमको कमेंट भी आए थे इतना तो इसकी मम्मी नहीं रोई होगी। हाँ, एक ही लिखा था उसकी मम्मी इतना नहीं रोई होगी जितना मौसी रोई होगी। मतलब आप जैसे तू आ गए ना, क्यों जिस दिन पवन आया था, जिस दिन मैंने बेदखल किया वहां, नहीं बेदखल नहीं यार, तेरी शादी के बाद जिस दिन तूने कमरा लिया ना, उस दिन रंजना को लेके आया तो घर आया था, एक दिन अकेले आया कैसे आया यार, उस दिन आ गया मेरे को रोना। अच्छा, रंजना को लेके सीधे यहां, सीधे यहां है ना। और अच्छा अच्छा अच्छा, और दिन पवन जैसे ना हमारे यहाँ आया तो उस दिन ये सीधे गया, मिठाई लाई भी थी उस दिन साथ में, मिठाई लेते मुख में रह जाता, मिठाई लेते मुख में रह जाता पवन। और उस दिन पता है फिर मैं ब्याह का इंतजार कर रहा हूँ, देखो तब भी थोड़ा अजीब लग रहा था। नाम और दिन पवन ऊंची, जब मतलब जिस दिन तू यहाँ से घर हमारे घर से घर आया था ना, उस दिन मुझे पहली बार पता क्या रियलाइज हुआ कि तेरी एक अडल्ट वाली लाइफ स्टार्ट हो गई है, गृहस्थी स्टार्ट हो गई है ना, उसे कुछ तो अलग लगा था उस दिन चला गया फिर। अरे अब कहीं से भी आई हमारे वहाँ आता था ना। हाँ, ये कर, अब नहीं आता।
क्या बोले रंजना मम्मी कमजोर लग रही है कमजोर क्या हो कुछ दिक्कत तो नहीं है क्या कहीं सुमित आने से दिक्कत तो नहीं हो रही है सुमित तो बल्कि मदद करेगा और मोटी होगी काम जो हो रहे तो और कमजोर होगी भाई कमजोर तो हो गए हैं खैर लेकिन अच्छा है पता है वेट लॉस ठीक ही है हाँ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल वाइफ बोलता रहता है करे क्या बोलता है इतना बोलता है नजर लग गई होगी तो फिर ठीक लगा आपको पवन का घर वर बढ़िया नहीं मेरा मतलब है जहाँ रह रहा है कॉज बहुत अच्छा लगा मजा आया अब तो हम मारते रहेंगे छापे देखो अभी क्या है कि आ तो मैं काफी दिनों में आई दूर लिया इसलिए तो आप जल्दी जल्दी बोल अब देख भी लिया बोले अब तो देख भी लिया तू क्या सोच रहा भाई अब बचने वाला नहीं है तू सो अभी हमारे चाय का टाइम हो गया है तो भाभी जी हमारे लिए बना रही है चाय जो कि वो टर्की वाले कप आपको पता है मैं जब ये देख रही थी ना व्लॉग में तो मुझे कप्स बड़े अच्छे लगे थे ये वाले वाकई में बहुत अच्छे लगे मतलब मुझे ना ये क्या बात कर रहे हो इस पे हाँ मैं खड़ी हो सकती इसमें मजाक कर रही सो ये इसको पता है एक्चुअली पकड़ के ना फील आ रही है कि आप कहीं के हो मदद देश तो हमें भी रंजन और पवन की वजह से टर्की के कप में टर्की की टी पीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वरना कहाँ हम टर्की जा पाएंगे इस जन्म में कहाँ टर्की की चाय पी पाएंगे एंड दिस इज अ लाइफ ऑफ अ वर्किंग वुमेन हु इज ऑल्सो अ हाउस वाइफ ठीक है यहाँ लैपटॉप में उनका काम चलता है यहाँ साथ में चाय बन रही है सो सी इससे पता लगता है कि आजकल की औरतें कितनी ज्यादा डेडिकेटेड होती है मतलब यू नो मतलब औरत चाहे हाउस वाइफ हो तब भी उतनी मेहनत करती है वर्किंग हो तब भी अपना घर बराबर संभालती है मतलब औरत आर मतलब वुमेन आर बेस्ट एट मल्टीटास्किंग ठीक है बहुत अच्छा मल्टीटास्किंग कर सकते हो अपना घर बराबर संभालती है सो नेवर जज अ वुमेन कि वो ऑफिस की है ऑफिस में काम करती होगी तो घर का काम नहीं कर पाती होगी एंड ऑल दैट सो हर औरत अपना घर का काम अच्छे से मैनेज कर लेती है ये तो पहाड़ी पैराडाइज में फिर से महफिल तैयार है और ये देखिए आप जाम यहाँ पे बनाया जा चुका है और बहुत से लोग सोच रहे थे कि पवनदा आप दारू पी रहे हो खुलेआम पैक बना रहे हो तो मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम में एक रील डाली थी ना अच्छा जिसमें सुमित भजन कर रहा था तो उसमें ये दिखाया था हमने अच्छा तो उनको ऐसे कमेंट आए थे कि कैसे आदमी दारू भजन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं ये दारू नहीं है मैंने उसमें भी बताया था वैसे लेकिन लोग उनको कमेंट करने की ज्यादा ही मची रहती है करेक्ट करेक्ट तो ये है टर्किश टी इसका कलर मैंने ब्लॉग में भी बताया था टर्की गया था इसका कलर देख लो आप ये एप्पल जूस की तरह है एप्पल जूस का भी तो ऐसा ही कलर एप्पल टी है दोस्तों और साथ में हमने और ये दारू नहीं है इसका प्रूफ ये है कि मम्मी टेस्ट करेगी मम्मी टेस्ट चखना भी है मम्मी टेस्ट करके बताओ कैसी हो रही है तो दोस्तों ये जैसे कि पवन ने बता दिया ये दारू नहीं है टर्किश टी है ठीक है और ये सबूत है इसका क्योंकि पवन अपनी मौसी को कभी भी दारू नहीं पिलाएगा अपने साथ बैठा के पिएगा भी तो अकेले पिएगा आजकल तो मॉडल है तो यहाँ पे मौसी मेंशन की मकान मालिक पहुँच चुकी है अपने घर पे सुमित सुमित से कराओ चेस कराओ ये आप ये तो यहाँ पे दो दो ब्लॉगर्स घर में बिस्तर चाय पी रहे आपकी पैसा मुंह तगड़ियों आप देखो देख रहे हैं अभी सब बिस्तर में चल रहे हैं आप अगर हम तुम्हारे वहाँ नहीं रहे होते तो ऐसे थोड़ा पीने देते हैं सही बात है खुद आती रहे सही बात है सही बात है सही बात है सही बात मम्मी यहाँ पे थी गिफ्ट बोले मैं वो ही बोलने वाली मम्मी ये चाय यहाँ पे गिरा भी देना तुम दोनों फिर भी कुछ नहीं बोल पाओगे मम्मी कैसी हो रही है बताओ ठीक है बताओ मम्मी चक के बताओ कैसी हो रही है टर्किश टी कैसी हो रही है मेरे को तो अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है खाली झूठ तो नहीं बोल रही मैं टेस्ट करती हूँ अभी पहले एक सेकंड लेट मी टेस्ट फर्स्ट आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस
टर्किश की है, एप्पल फ्लेवर में है। बहुत ही टेस्टी है तो। अरे बाप रे, दिस इज वेरी टेस्टी यार। ये एप्पल पाउडर, इसमें चीनी डाल, चीनी डाली, चीनी भी नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही टेस्टी है ये, मतलब तो समझ ले ब्लैक टी है एप्पल। तो ये जब हमने मतलब वहां पे हवा में लिया था ना, हां, उसके बाद जब नहा के आओ ना पीने के लिए, तब तक भी अच्छी लगती है, बहुत रिफ्रेशिंग होती है। हां तो यही तो नहीं आता मेरे लिए थोड़ा, तो ले जा भी तो थोड़ा क्या हो गया, एक उमा जलता पाउच। वैसे कितने का था ये, कितने का था पाउच, कितने का था पूरा? वैसे यहाँ पे तो मिलती होगी इंडिया में भी, ऑनलाइन मिल जाएगी। हमने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या पता गंदी हो, हमने तो पी, जहाँ पे हमने पी वहाँ से थोड़ी ली, हमने कहीं और से ली। अच्छा लग रहा ना, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, नाइस, आई लाइक इट। सो अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। वो देखो उस लाइटनिंग से आपको पता चल रहा होगा कि अब धूप जा रही है, ठीक है। सो काफ़ी मज़ा आया, बहुत देर बैठे गप्पे वप्पे मारी, चाय पी। अब चलिए, अब चलते हैं घर को, एक बार विदाई का सीन दिखाती हूँ आपको। मम्मी जा रही है अब घर का इंस्पेक्शन करने के लिए, तुम भी चल रही हो? चलो। ओहो हेलो, हाय, क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, भजन सम्राट सुमित शंभू ने म्यूज़िक क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। अगर आपके हल्द्वानी में अपने बच्चे हैं, कोई भी सीखने वाले हैं, तो सुमित सिखाता है। पवन ने इनफैक्ट स्टेटस भी लगाया था, पवन का व्हाट्सएप नंबर उसके डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप लोगों के पास पवन का व्हाट्सएप नंबर हो गए, जिनके पास नहीं है तो पवन का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे रहता है, तो आप लोग वहाँ से उसका नंबर लेकर पवन को रीच कर सकते हैं और पवन आपको क्लासेस की डिटेल दे सकता है। तो सुमित ने मतलब म्यूजिक क्लासेस देना शुरू कर दिया। सो देखिए कितना सुंदर मंदिर है, और ये राम लक्ष्मण जी की मूर्ति बहुत प्यारी है, मजा आ गया। किसने करा, रंजना ने? तूने? वाह, ये देखो रंजना सिर्फ जॉब की नहीं गई, इस चीज की भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस। और ये है इनका टेरेस, मम्मी गप्पे मार रही है पड़ोसियों के साथ। ये है टेरेस जहाँ पे हमने उस दिन पिज्जा पार्टी भी करी थी, तो करी थी। हाँ वही कह रही हूँ। हाँ। अरे भाई साहब, गाइस इसके इनके घर के आगे का व्यू देखो, इतना ज्यादा सुंदर व्यू है ना, मेरा तो दिल आ गया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा घर अगर वहाँ ना होता तो यहाँ होता तो मुझे चलता, मतलब मुझे यूजुअली से हल्द्वानी में पसंद नहीं आता ये रोड के साइड मकान, लेकिन दिस इज नाइस, मतलब ये व्यू देखो आप कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है यार ये व्यू। पवन आज डिस्क्लोज हो जाएगा, हम कहा रहे थे, अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही है यार, यहाँ तो ठंडी है ना। अच्छा तुमने मतलब डिस्क्लोज नहीं किया तुम किस साइड रहते हो, पर लोग पहचान नहीं पाएंगे वैसे किस साइड है ये, नहीं पहचान पाएंगे, पहाड़ है क्या, कितने एंगल से पहाड़ दिखता है, वही ना, बहुत एंगल से दिखता है यहाँ पे, बहुत सुंदर है यहाँ से, ठंडी ठंडी हवा आती है ना, मतलब तुम व्यू देखो यहाँ पे कितना अच्छा है यार, भाई साहब मजा आ गया मतलब। अरे भाई 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 क्या हो, ये तो मैं और ज्यादा अच्छी लग रही होगी अभी। हाय गाइस, यही रीजन था घर बनाने का यार, ये यहाँ घर ले सकते हैं पवन, यहाँ घर लेने का यही रीजन था। वैसे ये घर भी रंजना के नाम पे ही है, पंत कुटी। आज कोई कमेंट कर रहा था कि पवन को ससुराली ने गिफ्ट कर रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये ससुराल वालों को इशारा है बोले कि दे दो बल हमें घर, ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर है देखो, मतलब पूरा घर पूरे ऐसे पहाड़ियों से, हमारे घर से भी दिखता है, पर हमारे घर से पहाड़ी बहुत दूर है, पर इनके घर से दिस पहाड़ी इज सो ब्यूटीफुल, नाइस, लव्ड इट। एक बार आप तीनों पीछे मुड़ो, फोटो लेती हूँ एक, मम्मी बहुत सुंदर आ रहे हो पता है। अभी सीखा, जिसका टीचर सुमित भैया जैसा हो तो वो तो सीखेगा ही ना। आद्या नाम है इसका, आद्या, नाइस नेम। कहीं इसके पापा कुछ बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, कल इतने बड़े उन्होंने वो बनाए थे, क्या बोलते हैं उनको, ये बता रहा कौन से शॉर्ट्स, चिली शॉर्ट्स। नाइस आद्या, आपको आपके नाम का मतलब पता है? नहीं पता, अपना वाला नाम बताओ ना, स्कूल वाला। आदर्शनी, नाइस, बहुत प्यारा नाम, उसको पता है। आपका नाम क्या है? विष्णु का दूसरा नाम होता है निमिष। निमिष, क्या बात है, नाइस। आजकल के बच्चों के नाम देखो जरा, निमिष, आदर्शनी, हमारे पवन, सुमित, कल्पना, हर्षित।
ये तो हमारे भजन सम्राट सुमित शंभू हैं, बढ़िया, बिल्कुल क्लासेस चल रही हैं इनकी। देखो दो शिष्य आने शुरू हो गए इनके गाइस, तो अभी भी हमारी सीट्स खाली हैं, आप आइए अपना। ये भी सुमित चाहते हैं, ये सुमित चाचा इनके भाई है, पता है आपको? ये मेरे भाई है, मैं पवन चाचा, तो ये सुमित चाचा। ठीक है दोस्तों, आप भी आइए सुमित से अपनी संगीत क्लासेस लीजिए। चलो अम्मी चलें, बस चलते हैं सुमित, हमारे जाने का टाइम, कल तेरे को लेने आ रही हूँ मैं। हाँ कल सामान लेके फिर उधर से चल लेंगे, ठीक है? तो देखिए गाइस सुमित शंभू आएंगे हमारे घर कर, चल ठीक है, बाय। हाँ सो दोस्तों अब हो गया हमारा जाने का टाइम, कैसा लगा पवन गेस्ट? अब अच्छा लग रहा है अब ऐसा लग रहा है ना, अब जा रहे हो तो तेरी तरह हंसू मैं। तूने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था ना सरप्राइज में से? नहीं मैंने धक सा तो नहीं हुआ, धक तो नहीं हुई, लेकिन मतलब बता देती तो खाना वाना बना लेती है। पानी आई है, ठीक है इधर आओ, हमारे टर्की वाली चाय का आनंद ले लिया ना, टर्की वाली चाय बिल्कुल मजेदार। तो अच्छा लगा मौसी, ऐसी आते रहना और दो चार घंटे बैठ के चले जाना। दो चार घंटे रंजना की तरफ से दूसरी सास आई, मतलब अच्छा लगा। चलो ठीक, अभी तो बोलना पड़ेगा, अच्छा लगा, पीछे से देखना, अभी बोले वो चैनल में देखना। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अभी बोलेगी चाय के बर्तन में इतना करना, अब ये सब जानने के लिए पवन का असली असली ब्लॉग अब तुम्हारे जाने के बाद शुरू कर रहे हैं। चलो ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय बाय।